नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज क्या कर रहे हो आप सब? दीदी दीदी देखो ना, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। अच्छा, इतनी पढ़ाई कब से करने लग गए तुम? मैं तो हमेशा से ही करता हूँ दीदी, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी जो बनना है, अनपढ़ थोड़े ही रहना है। ओह, ऐसा क्या? चलो मैं आज तुम सबको पढ़ाई करने वाले एक बच्चे की ही कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ दीदी सुनाइए। इस कहानी का शीर्षक है जीवन बेकार। तो सुनो कहानी। बहुत पुरानी बात है, एक बार तुम्हारे जैसा ही एक बालक अपने गुरुकुल से पढ़ाई करके वापस अपने गांव जा रहा था। उसका नाम था छगन। दीदी गुरुकुल मतलब? बताती हूँ, पहले के जमाने में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे गुरुकुल यानी अपने गुरु के घर ही जाते थे और गुरु के साथ ही रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तब आज जैसे अनेकों स्कूल नहीं होते थे हर गांव शहर में। अच्छा हाँ, तो आगे सुनो। गुरुकुल से गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अब छगन ने उसे पार करने के लिए एक नाव कर ली और अपनी सारी किताबों के साथ उसमें बैठ गया और फिर नाविक ने नाव चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद नाविक बोला, कितना अच्छा मौसम है ना साहब, आज तो नाव खेने में बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा ही मौसम चलता रहा तो हम जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सो तो है, मैं भी जल्द ही घर पहुंचने के लिए उतावला हूँ, बड़े दिनों बाद जा रहा हूँ घर, छगन बोला। फिर थोड़ी देर वे यूं ही चुपचाप नाव में बैठे रहे और नाव चलती रही। कुछ देर बाद छगन को बैठे बैठे नींद सी आने लगी, तो ऐसे ही बात करने के लिए छगन नाविक से पूछ बैठा, सुनो भैया क्या तुम गणित जानते हो? नाविक बोला, नहीं सरकार, हम पढ़े लिखे कहाँ, न ही गणित जानते। ये सुनकर छगन हंसने लगा और बोला, फिर तो तुमने अपना एक चौथाई जीवन बिल्कुल व्यर्थ कर दिया है। अच्छा तो क्या तुम भूगोल जानते हो? कहाँ सरकार, हम ना जाने भूगोल भूगोल। अरे मतलब तुमने तो अपनी दो चौथाई यानी आधी जिंदगी ही बेकार कर दी है। अब तुम विज्ञान तो जानते होंगे ना? ना सरकार, हमका तू विज्ञान का भी कौन उज्ञान ना भया। ऐसे में तो तुमने अपना तीन चौथाई जीवन ही व्यर्थ कर दिया है। अब छगन की बातें सुनकर नाविक भी थोड़ा उदास होने लगा था कि इतने में ही आसमान में बादल छा गए और जोर जोर से हवाएं चलने लगी, नाव भी डगमगाने लगी। फिर क्या था, ऐसा भयंकर तूफान आया कि छगन तो घबरा ही गया, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा था। तूफान की स्थिति समझते हुए तब नाविक ने छगन से पूछा, सरकार आपको तो तैरना आता ही होगा ना? छगन डरते हुए बोला, नहीं तो। इस पर नाविक ने हंसते हुए कहा, सरकार इसका मतलब तो आपका तो अब पूरा ही बचा कुचा जीवन बेकार है, क्योंकि ऐसे तूफान में तो आप कभी भी डूबकर जान गंवा सकते हैं। ओ, नाव डूबने वाली है और छगन को तो तैरना भी नहीं आता। अब कोई गणित भूगोल और विज्ञान तो उसे बचाने आएगा नहीं, तो क्या छगन डूब के मर जाएगा दीदी? वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा, पर अब छगन को अपने घमंड का एहसास हो जाता है और वह नाविक से माफी मांगता है। फिर दीदी? फिर नाविक भी उसको माफ कर देता है और अपना पूरा दमखम लगाकर नाव को किनारे तक पहुंचाने की कोशिश करता है और आखिर में दोनों किसी तरह सुरक्षित तट पर पहुंच जाते हैं। खत्म कहानी। ये नाविक ने छगन को बचा लिया।
तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हाँ, यही कि हमें कभी भी किसी अनपढ़ व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने ज्ञान का बखान कर उस पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण या हुनर होता है जो हो सकता है आपके पास ना हो, और वह उस हुनर के सहारे ही अपना जीवन यापन करता है और जरूरत पड़े तो दूसरों का जीवन भी बचा सकता है। नाविक की इस कहानी की सीख को हमेशा याद रखना बच्चों, और कभी घमंड नहीं करना। कभी घमंड नहीं करेंगे हम। बढ़िया, चलो बच्चों, अब फूल कुमारी दीदी को दो विदा। धन्यवाद। धन्यवाद।